बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिकम्पोजिशन देखी थी, और डिकम्पोजिशन का मकसद थोड़ा सा जहन में रख लें कि डिकम्पोजिशन हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि हम बेसिकली लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो वो जो ओरिजिनल मकसद था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो काफ़ी दूर तक हम इसको चलाएंगे। एक तरीका जो उसका हमने देखा था उसमें, वो एलयू डिकम्पोजिशन का था। ठीक है, तो मैथ्स के जरिए से हमने करके देख लिया कि किस तरीके से करते हैं। ठीक है, इट वॉज़ अ फेयरली मैकेनिकल प्रोसेस, और जितना मैकेनिकल प्रोसेस होगा, पहले भी ये डिस्कशन की थी कि कंप्यूटर के लिए वो काफ़ी ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम उसको कोड के जरिए से देखना चाह रहे हैं, और एलयू डिकम्पोजिशन के बाद एक और मेथड भी यहाँ पे हम कोड के जरिए से देखते हैं। उसको लिए नोटबुक पे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे वो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। तो अगेन, जस्ट फॉर रिकॉल, हम लोग ये करना चाहते हैं कि एक मैट्रिक्स ए को दो मैट्रिसेस में डिकम्पोज करना चाहते हैं। ठीक है, एक एल होगा, एक यू होगा। एल इज़ गोइंग टू बी लोअर ट्राइंगुलर, यू होगा अपर ट्राइंगुलर। ये आपके पास बेसिक मकसद क्या है कि एल को यू के साथ जब मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ओरिजिनल ए बनना चाहिए। और ये हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि ट्राइंगुलर मैट्रिसेस जो होते हैं उनके साथ फिर ये कंप्यूटेशन काफ़ी आसान हो जाती है, क्योंकि आप सिंपली एक एक वैल्यू निकालते जाते हैं और कोई एम्बिगुइटी उसके अंदर नहीं होती, आसानी से आप निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे वो करते हैं, कोड के जरिए से इसको देखते हैं। नंपाई की लीनियर एल्जेब्रा की जो सब मॉड्यूल है उसके अंदर इन्वर्स आपको मिलता है, पहले हम लोगों ने ये देखा हुआ था। इस तरीके से साईपाई एक लाइब्रेरी है, अभी तक शायद मैंने मेंशन नहीं की हो, लेकिन साईपाई भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर लाइब्रेरी है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इसके काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल इसके अंदर कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, हम आगे देखेंगे जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर लीनियर अलजेब्रा का जो पैकेट है उसके अंदर एलयू डिकम्पोजिशन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, नंपाई में भी शायद हो, लेकिन आमतौर पर जब आप सर्च करें तो आपको साईपाई की ही मिलती है इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है जी, तो ये दोनों हमने यहाँ पे कर लिए इम्पोर्ट। ये पहले बताया था कि एलयू के ऊपर आप हेल्प अगर कॉल करें तो आपको इसकी तफसील मिल सकती है। इसके अंदर एक जो ज़रूरी चीज़ फ़र्क देखें, जो कि हम लोगों ने पहले बात की थी और यहाँ पे भी जो इसका नाम है, दैट इज़ एल यू डिकम्पोजिशन, लेकिन ये जो डिकम्पोज करता है वो तीन चीज़ों में करता है, पी एल और यू के अंदर। ठीक है जी, तो एल और यू तो आपको पता है लोअर ट्राइंगुलर अपर ट्राइंगुलर, पी इज़ फॉर परम्यूटेशन, क्योंकि कभी कभी आपके पास गॉस जॉर्डन में भी आप लोगों ने देखा हुआ है ना कि कभी कभी आपको रोज़ जो है वो थोड़ी सी एक पोजीशंस उनकी रोज़ की चेंज करनी पड़ती हैं, ताकि वो उसकी शेप उस तरह की बन जाए जिसके साथ आप अच्छे तरीके से काम कर सकें। मतलब अगर आपके पास 100, 001 और 010 अगर आ जाए, तो इन दोनों को आप बजाय इसके कि उसको ज़बरदस्ती आपको बनाए, उसको वो कर लेते हैं, रोज़ को स्विच कर लेते हैं आपस में। ठीक है जी, तो रोज़ की ये जो स्विचिंग होती है कि किस रो को किस जगह पे लेके जाना है, इसको कहा जाता है परम्यूटेशन, आप लोगों ने शायद पहले देखी होगी। तो यहाँ पे आपको परम्यूटेशन अलग से दी जाती है कि भाई एल यू डिकम्पोजिशन इस मेट्रिक्स को करने से पहले अगर आप ये एल बनाएं और ये यू बनाएं, लेकिन उसके ऊपर ये परम्यूटेशन बनाएं, तो फिर ए बनेगी। ठीक है, परम्यूटेशन आपको पता है इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती, वही इक्वेशन होती है, ऊपर नीचे थोड़ी सी हो रही होती है। तो यहाँ पे आपको जो रिजल्ट मिलेगा इस एल यू डिकम्पोजिशन से, दैट इज गोइंग टू बी 3 मेट्रिसेस, नॉट 2। तो सिर्फ ये कोड की डिटेल है, इसका मैथ्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वही मैथ्स है जो कि पहले थी। ठीक है जी, तो यहाँ पे बाकी इसके सेमांटिक्स सारे लिखे हुए हैं, उसमें आप लोगों को चूंकि पता है उसमें हम नहीं जाना चाहते। ये हमने वही ओरिजिनल एरे ले लिया जो कि हम लोगों ने हाथ से किया था। यहाँ पे हम इसको जब एल यू कॉल करेंगे तो ये हमें तीन चीज़ें वापस भेजेगा, पी एल और यू। ठीक है जी, ये बात आपको पता है कि तीन चीज़ें यहाँ पे आपको वापस भेजेगा, तो आप तीनों को एक साथ असाइनमेंट कर सकते हैं, पाइथन के अंदर ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है जी, इनको हम लोगों ने यहाँ पे आउटपुट कर लिया, और ये देख लें कि आपके पास पी जो है, दैट इज़ दिस परम्यूटेशन। ठीक है, ये परम्यूटेशन एसेंशियली आपको ये बता रही है कि आपके पास रो वन जो है वो चौथी पोजीशन पर जाएगी। ठीक है जी, रो फोर जो है वो पहली पोजीशन पे आएगी, और टू और थ्री अपनी जगह पे है। ठीक है, तो ये परम्यूटेशन आपको सिर्फ बता रहा है कि कौन सी रो किस जगह पर जाएगी, इट्स नॉट ऑल दैट इंपॉर्टेंट। सिर्फ ये कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रोज़ मैट्रिक्स की आपको थोड़ी सी स्विच हुई मिलेंगी, तो परम्यूटेशन मैट्रिक्स आपको बता रहा है कि किस तरीके से ओरिजिनल ए पे आप वापस जा सकते हैं। आउटपुट करके देख लेते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास एल है और ये आपके पास यू है। ठीक है जी, सर अगर ये जो परम्यूटेशन में जो हमें रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है ये किसी और रोज की स्विचिंग से हमें मिल जाता है, हमें मतलब जी, वो इट्स फाइन, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली चूंकि ये दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप लोगों को फैक्टर्स का पता है कि फैक्टर्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो कोई तो बड़ा मसला नहीं। अगर आप एल डॉट यू करें, ठीक है, एल डॉट यू अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे ये 317-2 ये वाली रो है। ठीक है, जो उसकी पहली रो आ रही है वो इसकी चौथी रो है। तो परम्यूटेशन इसेंशली आपको यही बता रही है कि आपने रोज़ को किस तरह परम्यूट करना है कि वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आपके पास बन जाए। ठीक है, बाकी आप लोगों को पता है कि ये चूंकि एक दूसरे से फ़र्क हैं इक्वेशंस, तो इतना बड़ा मसला नहीं है अगर इनके रोज़ का हो, लेकिन रो आपको चूंकि ओरिजिनल मैट्रिक्स ये होता है तो परम्यूटेशन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसका तरीका हम ये करते हैं, इसको ज़रा मैं दोबारा कर लूँ, कि हम ये करते हैं कि पहले एल को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी डॉट एल पहले कर देते हैं,
जब पी एल हो जाएगा तो वो परम्यूटेशन एल की आपके पास हो जाएगी ताकि आपका वो मसला खत्म हो जाए, ठीक है जी। सही है जी। तो इसको आप एक दफ़ा कर लेंगे तो बस अब आपके पास एल बन गया, एल डॉट यू। अब आप कर सकते हैं, एल डॉट यू से मुराद है कि एल और यू को आपस में मल्टीप्लाई करें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। डॉट का ऑपरेशन जो है, डॉट का जो फंक्शन है नंपाई के अंदर, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था, इसको देख लें, ठीक है जी। इसको जब आप मल्टीप्लाई करें तो देखें आपके पास ये वही ओरिजिनल मैट्रिक्स बना रहा है 1111 और आखिरी 317-2 जो कि ए ओरिजिनली आपके पास था, ठीक है जी। तो इससे आपको एटलीस्ट ये भी कंफर्म हो गया कि हाँ जी, इससे वही चीज़ वापस बन रही है, डीकम्पोजिशन ठीक है, ठीक है जी। ऑब्वियसली चूंकि कोड के थ्रू है तो मसला नहीं है, लेकिन ये हो जाएगा। सही है जी, ये बात क्लियर है। ए को देख लें यहाँ पे। अब ये देखें कि एल डॉट यू जो है वो ए के बराबर है या नहीं, तो उसूलन होना चाहिए, ठीक है जी। तो इसमें कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है। अब यहाँ पे देखें ये तीन फॉल्स क्यों हैं बीच में, ये कौन सा गंदा है, उसूलन तो सारे ट्रू होने चाहिए ना, ठीक है। ये तीन बीच में फॉल्स कहाँ से आ गए, क्यों हैं, मुझे बताएं। ये चीज़ें हैं फ्लोट के ऑपरेशंस, ठीक है। और फ्लोट्स जब मल्टीप्लाई या डिवाइड आप करते हैं उनको, तो अगर आपने कोई चीज़ लिखी है 1/3, ठीक है, तो 1/3 इज 0.333333333 अप टू इन्फिनिट प्रिसीजन, ठीक है जी। 1/3 इज 0.3 अप टू इन्फिनिट प्रिसीजन, सही हो गया जी। मसला ये है कि जब आप इसको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोगों ने देख लिया IEEE की जो रिप्रेजेंटेशन हमने देखी थी, कि उसके अंदर किसी न किसी जगह पे जाके प्रिसीजन लॉस आएगा। तो प्रिसीजन लॉस को जब आप प्रिसीजन लॉस के साथ आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल नंबर नहीं बनता फिर। तो 1/3 + 1/3 + 1/3 डज नॉट कम आउट एट 1, ठीक है जी। इट्स लाइक 0.9999999999 डिपेंडिंग ऑन योर प्रोसीजन। कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी आखिर में, बात समझ आ गई है। तो ये ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे नज़र भी आ गया आपको कि कभी भी जब आप फ्लोट्स को कुछ भी ऑपरेशंस फ्लोट्स के ऊपर करते हैं या ऑपरेशंस ना भी करें, दो फ्लोट्स को कभी भी इक्वालिटी के साथ चेक नहीं किया जाता, ठीक है। फ्लोट्स को कंप्यूटर में रहते हुए कभी भी इक्वालिटी के साथ चेक नहीं करते। इक्वालिटी के साथ चेक करेंगे तो आपको कुछ पता नहीं है कि मल्टीप्लाई डिवाइड होने में कहां पे क्या गलती आई है। और फ्लोट्स जो हैं रियल नंबर्स जो हैं, बाय डेफिनेशन जो इरेशनल नंबर्स हैं, दे हैव इनफिनिट प्रिसीजन। तो दो नंबर्स का बराबर होना डज नॉट रियली मेक एनी सेंस। आप कहते हैं ना, दो बंदे आपको ऐसे चाहिए जिनकी हाइट बराबर हो, ठीक है। तो बराबर का मतलब नहीं है कि आप टू एन इनफिनिट प्रिसीजन उनकी हाइट बराबर हो। यू आर गोइंग टू हैव सम सॉर्ट ऑफ, आपके बैक ऑफ द माइंड कोई होगा कि भाई इतने, लेट्स से 1 सेंटीमीटर के अंदर अंदर बराबर होनी चाहिए, या 1 मिलीमीटर के अंदर अंदर बराबर होनी चाहिए। दो अगर आप रॉड्स लेते हैं और आप कहते हैं दोनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए, तो आप लेट्स से माइक्रोमीटर्स या नैनोमीटर्स किसी न किसी जगह पे आके आप जाके कट लगाएंगे कि भाई इतनी प्रिसीजन तक मुझे चाहिए। तो वो प्रिसीजन आप यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि आप ये कहते हैं कि ये फ्लोट और ये फ्लोट, इनके दरमियान जो डिफरेंस है, इट शुड बी लेस देन अ सर्टन नंबर, अ सर्टन वेरी स्मॉल नंबर। उस नंबर को आमतौर पर एप्सिलॉन बोला जाता है, ठीक है जी। तो एप्सिलॉन का मतलब है कि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है, दैट डिफरेंस शुड बी इतना छोटा। इक्वालिटी आप कभी भी फ्लोट्स की चेक नहीं करते, बात समझ आ गई है। तो उसके लिए जो फंक्शन है यहाँ पे वो है एनपी के अंदर पहले से कह के ऑल क्लोज, ठीक है जी। ये कह रहा है कि आपके पास जो एल डॉट यू है, या एल यू इसको मैं बोलता हूँ, एल यू और ए के सारे के सारे जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एलिमेंट वाइज अगर आप कंपैरिजन करें तो सारे जो हैं अप टू अ सर्टन प्रिसीजन क्लोज होने चाहिए, ठीक है। तो ये ऑल क्लोज को अगर आप हेल्प करके देख लें तो आपको पता भी चल जाएगा कि ऑल क्लोज कितनी प्रिसीजन पे करता है, बट फेयरली प्रिसाइज ये हमारा काम इसके ऊपर करता है, ठीक है, बात समझ आ गई। इसको अगर आप ऑल क्लोज करेंगे तो ये अब आपको ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ऑल क्लोज इक्वालिटी चेक नहीं कर रहा, वो अप टू सर्टन प्रिसीजन एप्सिलॉन के दरमियान में उन दोनों सारों के पेयर वाइज उनके होते हैं डिफरेंसेस, उनको कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। पहला एलिमेंट इसका और पहला एलिमेंट इसका, दे आर क्लोज टुगेदर, ठीक है जी, समझ आ रही बात की, ठीक है। जिन लोगों ने स्क्वायर रूट वाली कहानी देखी हुई है तो उसके अंदर यही बात थी कि यू डोंट कंपेयर बोथ ऑफ देम, यू से कि भाई ये माइनस ये शुड बी लेस देन अ सर्टेन नंबर, ठीक है जी। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनका डिफरेंस जो है, दैट शुड बी लेस देन 0.00000001। इसके आगे फिर हम जिम्मेदार नहीं है, बिकॉज इसके आगे फिर हमें फर्क नहीं पड़ता अगर दोनों में कोई डिफरेंस है अभी तो, ठीक है जी, बात समझ आ रही है। ज़रूरी बात यह है कि फ्लोट्स को कभी भी आप इक्वालिटी से चेक नहीं करते। हालांकि हम कर रहे हैं, आप क्या चाह रहे थे कि भाई एल यू और ए बराबर होने चाहिए, लेकिन बराबर नहीं आएंगे। एल यू का मसला नहीं है, मसला किस चीज़ का है कि दिस हैज हैपेंड न्यूमेरिकली, और न्यूमेरिकल के अंदर कुछ ना कुछ प्रिसीजन लॉस जरूर आएगा। तो इधर इनफिनिट प्रिसीजन का मसला आ रहा है जी। ये जो है ना, ये कह रहा है कि दे शुड बी
जो आपके पास फ्लोट की रिप्रेजेंटेशन इसकी बन रही है और जो फ्लोट की रिप्रेजेंटेशन इसकी बन रही है, दे शुड बी इन बिट्स एग्जैक्टली इक्वल. जबकि दोनों को मल्टीप्लाई करने करने में हो सकता है वो बिल्कुल 18th डेसिमल प्लेस के ऊपर जाके कोई फर्क आ गया हो. वो भी इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जब आपने रिप्रेजेंट किया तो यू हैव टू चॉप समथिंग ऑफ. ठीक है जी, बात समझ. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राउंडिंग होगी, कुछ ना कुछ चॉपिंग ऑफ होगी. ठीक है, बात समझ आ गई. ओके, हमारा जो काम है ये काम है कि आपने इक्वालिटी चेक करनी है तो इस तरह चेक करेंगे. तो ये फिर ये करता है कि सर्टन वो करता है. उस सर्टन को अगर आपने देखना है कि वो कितना है तो आप कह सकते हैं हेल्प एन पी डॉट ऑल क्लोज. ठीक है जी, मैंने भी कभी देखा नहीं है. ये कह रहा है ये आपकी प्रिसीजन है. ठीक है जी, टॉलरेंस. ठीक है, टॉलरेंस पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर आपकी कितनी है तो ई टू द माइनस फाइव या ई टू द माइनस एट. ठीक है जी, मुझे नहीं पता दोनों को क्या, आप लोग फिर उसको देख सकते हैं. ठीक है, ए टी ओ एल द रिलेटिव टॉलरेंस पैरामीटर. ठीक है जी, एब्सोल्यूट टॉलरेंस पैरामीटर वगैरह वगैरह देख सकते हैं हम उसको. ठीक है, सो वन ई टू द माइनस फाइव विच इज फाइव डेसिमल प्लेसेस के बाद. अगर आपको इससे ज़्यादा प्रीसाइज चाहिए आप इसको पैरामीटर पास करके चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है, ओके. अच्छा जी, अब हमारे पास एल और यू आ गए हैं. यहाँ से अभी तक हम सिर्फ इसको चेक कर रहे थे, वरना एल और यू हमारे पास एक फंक्शन कॉल से आ गए थे. ठीक है, ये किधर गया, ये इसे एक फंक्शन कॉल से एल और यू आ चुके हैं. बाकी तो हम चेक कर रहे थे ना, सिर्फ हमने क्या किया कि दरमियान में जाके हमने इसको P को एक ही दफा L से मल्टीप्लाई कर दी कि जो परम्यूटेशन होनी है वो बस हो जाए. ठीक है, हमें उसकी फिर जरूरत नहीं है. ओके, अब क्या करना है हमने, अब हमने करना ये है कि हम लोगों ने ये Y ले लिया, जो ओरिजिनल Y हमारे पास था ये वही है जो कि हमने नोटबुक में किया था. और वहाँ पे हमने क्या किया हुआ था कि एल एम इज इक्वल टू वाई, पहले हमने यहीं से बात शुरू की थी ना, पहले M निकालेंगे. तो अगर एल एम इज इक्वल टू वाई है तो यहाँ पे हम एल इनवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी एल इनवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे. ये कहानी हम क्यों कर रहे हैं, वहाँ तो हमने नहीं की थी. ठीक है, यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे हमने कहा था कि इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो इट लुक्स टू मीन दैट दिस इज वन. हम लोगों ने अपनी आंखें इस्तेमाल करके कर लिया था, कंप्यूटर के लिए वो काम मुश्किल है. कंप्यूटर के लिए क्या है कि भाई मुझे एक ऑपरेशन बताओ, मैं ऑपरेशन करूंगा. हमारे लिए इसका इन्वर्स निकालना एक काम है अपनी जगह पे. एल का इन्वर्स निकालेंगे वो अपनी जगह पे गम बन जाएगा. तो हम वो नहीं करते थे, जिस तरह गॉस जॉर्डन में आप आखिर में आ जाते थे ना, तो उसूलन आपको इन्वर्स निकाल के करना चाहिए. लेकिन इन्वर्स निकालना चूंकि मुश्किल है तो आप इन्वर्स नहीं करते, आप सिंपली उसको रीड कर लेते हैं कि यहाँ पे फाइव, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है x और यहाँ पे लिखा हुआ है 8, तो 4x इज इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 2 बड़ी आसानी से आप निकाल लेते थे. ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए आसान है, कंप्यूटर के लिए सिंबॉलिक कंप्यूटेशन मुश्किल है. कंप्यूटर के लिए क्या आसान है, ये कि एल एम इज इक्वल टू वाई है. ठीक है, यहाँ पे भी एल इनवर्स मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी एल इनवर्स मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या चीज़ बन जाएगी कि एम इज इक्वल टू एल इनवर्स वाई. ये बात समझ आइए जी अच्छे तरीके से, एम इज इक्वल टू एल इनवर्स वाई. वो एल इनवर्स और एल कट गए आपस में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया. और इस तरफ क्या चीज़ आ गई आपके पास, एल इनवर्स वाई, जिसका मतलब है कि अगर आपने एम निकालना है तो वो जो वहाँ पे हमने हाथ से कैलकुलेशन की थी वो करने की जरूरत कंप्यूटर में नहीं है. कम अज़ कम हम भी वहाँ पे कर सकते थे कि हम एल का इनवर्स ले लेते और ये काम कर लेते, लेकिन वहाँ पे हमारे लिए हाथ से करना वो ज़्यादा आसान था. यहाँ पे ये ज़्यादा आसान है कंप्यूटर के हिसाब से. तो सिंपली आप क्या कहेंगे कि एम इज इक्वल टू इनवर्स एल डॉट वाई, इनवर्स ऑफ एल मल्टीप्लाई बाय वाई. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो आप करते हैं वो आपने कर लिया, आपके पास एम आ गया. ठीक है, ये रहा एम आपके पास, ये एक एल उसके साथ कट गया. ये यहाँ पे जब हमने किया ना, ये एल इनवर्स एल ये कट गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया. अच्छा, ठीक है, तो एम रह गया वहाँ पे और यहाँ पे एल इनवर्स रह गया. ठीक है, तो इनवर्स किस तरह निकालते हैं, इनवर्स का पहले से हमारे पास नंपाई ने फंक्शन दिया हुआ है. ठीक है, हाथ से करना पड़ता तो मुश्किल था, लेकिन यहाँ पे आसान है. ठीक है, इनवर्स ऑफ एल डॉट वाई. ठीक है, यहाँ पे ज़रा एक बात को समझिए, जो मैंने आप लोगों को कहा था ना कि ये सारे एल यू डी कम्पोजिशन करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ पीछे ज़रूरी बातें हैं जो कि हम फिलहाल नहीं निकाल सकते, इसके अंदर डिस्कस हम नहीं करें, लेकिन हैं सही. तो यहाँ पे देखें एक चीज़ आपको नज़र आ रही है कि ऑल दो के आप एम निकालने के लिए यहाँ पे इन्वर्स कर रहे हैं और वहाँ पे आपने इन्वर्स नहीं किया था, लेकिन इन्वर्स का यहाँ पे होना जो है इसका मतलब है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए. इन्वर्स अगर एल का सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आप इस तरीके से एम नहीं निकाल सकते. बात समझ आ रही है, तो L का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए. अगर L का इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, तो ना आप इस तरीके से कर सकते हैं ना आप उस तरीके से कर सकते हैं. फिर इनवर्स क्यों जरूरी है, क्योंकि देखें ना यहाँ पे M किसके बराबर है, L इनवर्स Y. तो अगर इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर M और Y का, जिसका कहने का मतलब ये होगा कि आप Y से M नहीं बना सकते. बात समझ आइए, तो अगर आप Y से M नहीं बना सकते तो चाहे आप कागज से करें कि चाहे आप उल्टे खड़े हो जाएंगे छत से टंग जाएं, आप लोग फिर Y से M नहीं बना सकते. बात समझ आ गई है, तो L का इनवर्स होना जरूरी है, चाहे आप इस तरीके से करें चाहे आप उस तरीके से करें. बात समझ आ रही है, तो अगर L का इनवर्स ही नहीं निकलता ना, आपने एक ऐसा L बना लिया, ये सारा एल यू डी कम्पोजिशन आपने की, फिर L ऐसा बन गया जिसकी वजह से इनवर्स नहीं बनता, बस फिर बैठ जाओ. बात समझ आ रही है, तो ऑल्दो कि हम इसके अंदर जा नहीं रहे कि मैथ्स की मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, लेकिन हैं, से एग्जिस्ट करती हैं.
ये बात समझ आ रही। लास्ट टाइम हमने तफसील से बात की थी कि ये प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनको पहले देखना कि भाई इस चीज़ का इन्वर्स बनता भी है कि नहीं बनता, दैट इज़ अपनी जगह पे काम है फिर। ठीक है, इन्वर्स के लिए आप किस तरह करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट मिलियन बाय मिलियन मैट्रिक्स निकालना खुद अपनी जगह पे मुश्किल काम है। बात समझ आ रही है ना? ठीक है, ओके। तो एम आपने निकाल लिया, इस तरीके से एक्स क्या था वही बात है कि आपके पास एक्स इज नाउ गोइंग टू बी इनवर्स ऑफ यू इंटू एम। क्यों? क्योंकि एम आपके पास क्या था, यू एक्स इज इक्वल टू एम। ठीक है, यू इनवर्स यहां पे, यू इनवर्स यहां पे, तो एक्स इज इक्वल टू यू इनवर्स ऑफ एम। ठीक है जी, एग्जैक्टली वही बात है, यू एक्स इज इक्वल टू एम, इस यू को काटने के लिए यू इनवर्स और यू इनवर्स यहां आ गया। ठीक है, मैट्रिक्स में इस तरीके से चीज को यहां से वहां लेके जाते हैं, वहां पे डिवाइड डिवाइड करते थे ना, नॉर्मल अलजेब्रा में डिवाइड करते हैं, यहां पे डिवाइड का मतलब इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, तो x आपने निकाल लिया और ये रही आपके पास x की वैल्यूज 1, 2, 3, 4। अगर आपको याद हो वहाँ पे भी हमने 1, 2, 3, 4 ही निकाली थी। ठीक है, तैयारी सड़ा होगा सबका एग्जाम्पल थी कि आखिर में 1, 2, 3, 4 जवाब आ गए, लेकिन बारह 1, 2, 3, 4 है। ठीक है, आपने चेक करना है तो आप किस तरीके से करेंगे, y प्राइम इज 10, 31, -2 और 18। इसको इक्वालिटी से नहीं चेक करना कि y के बराबर है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, ऑल क्लोज से चेक करेंगे, y और y भी ऑल क्लोज होने चाहिए। ठीक है जी, बात समझ आ गई जी। तो देखें इस सारी कहानी को, अगर इतना बहुत सारी एक्सप्लेनेशन को अगर आप बीच में से निकाल दें तो आपने किया क्या है, ये रहा एक, ठीक, ये दूसरा काम किया, ये सारी कहानी वैसी तफसील आपको बताने के लिए, ये तीसरा काम, ये चौथा काम, बस यू डन। सो चार लाइंस के जरिए से आप LU डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी फॉर द कंप्यूटर इफ इट्स एप्लीकेबल, वो इफ बहुत बड़ा है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात सही है। इफ एप्लीकेबल का मतलब है कि जो प्रॉपर्टीज ए में होनी चाहिए, जो कि हमने डिस्कस नहीं की, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि ए में होनी चाहिए, अगर वो होंगी तो फिर ये काम करेगा। ठीक है जी, अगर होंगी ना तो फिर ये बड़ा अच्छा काम करेगा। ठीक है जी, ओके। ये जब आप एक्चुअल मशीन लर्निंग की रिसर्च वगैरह और उसके अंदर जब जाते हैं ना, तो वहाँ पर ये चीज़ों की होती है, लेकिन हम चूंकि ओवरव्यू सारी चीज़ों का देखना चाह रहे हैं, इसके बहुत अंदर नहीं हो सकता। ठीक, ओके। तो LU डिकम्पोजिशन एक मेथड है, एक और मेथड यहाँ पे देखते हैं विच इज टेकिंग अ स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच। यहाँ पे हमने क्या किया कि वी हैड मैथमेटिकल स्पेसिफिक इक्वेशंस एंड इट वाज वेरी क्लोज टू एनालिटिकल सॉल्यूशन। एनालिटिकल में हम ये कहते हैं ना कि ये इक्वेशन है, फिर ये इक्वेशन है, फिर ये इक्वेशन है, अगर आप कागज पे उसको करें तो यू गेट द राइट आंसर। ठीक है, जबकि न्यूमेरिकल हमने क्या बात की थी कि कभी कभी एनालिटिकल पॉसिबल नहीं होता, तो हम न्यूमेरिकल में क्या करते हैं कि हम अप्रॉक्सीमेशन करके कर लेते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर आपने किसी चीज़ का डेरिवेटिव निकालना है और आप डेरिवेटिव, वो फंक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप उसका डेरिवेटिव आराम से नहीं निकाल सकते। ठीक है जी, डेरिवेटिव्स आमतौर पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, लेकिन लेट से ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आप नहीं निकाल सकते, तो आप डेरिवेटिव नहीं निकालते, आप क्या कहते हैं कि उस किसी एक पॉइंट के ऊपर मैं देख लेता हूँ कि टेंजेंट किस तरह का है। ठीक है, और उसकी वैल्यू डायरेक्ट कंप्यूट कर लेते हैं। तो इवन दो यू डोंट नो द फॉर्मूला फॉर द टेंजेंट, यू कैन एक्चुअली गेट द टेंजेंट कि यहाँ पर टेंजेंट जीरो है, नजर आ रहा है। बात समझ आ रही है? तो न्यूमेरिकल का मतलब ये होता है कि इवन दो वी डोंट हैव अ क्लोज्ड फॉर्म फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला है इसका निकालने के लिए, बट वी कैन समहाउ अप्रॉक्सीमेट। जिस तरह मैं अगर आपको कहूँ कि 2 का अंडर रूट निकालें, तो वी डोंट हैव अ फॉर्मूला फॉर 2 अंडर रूट। ठीक है, बट वी कैन डू सम कैलकुलेशन कि भाई तकरीबन इतना है। ठीक है, आप उसके कुछ कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं, तुक्के मारना शुरू कर दें कि जी 1.2 अगर ऊपर चला गया तो 1.1 कर लें, 1.3 कर लें, कुछ ना कुछ करके आप कुछ ना कुछ अप्रॉक्सीमेशन निकाल सकते हैं। तो न्यूमेरिकल का मतलब होता है। तो पहले जो हमने काम किया दैट इज वेरी क्लोज टू एनालिटिकल कि ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, तो आपके पास ये जवाब आ गया। दूसरा जो मेथड हम कर रहे हैं दिस इज गोइंग टू बी एनालिटिकल और एनालिटिकल के साथ इट्स आइटरेटिव। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद सम रैंडम वैल्यूज फॉर एक्स। ठीक है, करना हमने वही है, ये देख लें आप इक्वेशंस नजर आ रही है। ठीक है, इसमें हमने क्या वैल्यूज निकाली है, x1 x2 x3 की वैल्यूज हमने निकालनी है। ठीक है जी, तरीका हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट ऑफ विद सम रैंडम वैल्यूज फॉर x1 x2 एंड x3 जो आपके दिल में आता है, वो हमारे अप्रॉक्सीमेशन होगी। शुरू में तो आपने यानी तुक्का मारा है, जो आपके दिल में आता है कहें, आप कहें इसकी वैल्यू 15 है सारों की, डजंट मैटर कि आप स्टार्ट कहाँ से करते हैं। ठीक है जी, बात समझ आ गई, ये दिस इज एन एक्चुअल मेथड। ठीक है, जिन लोगों ने स्क्वायर रूट पहले देखा उनके लिए तो कोई नई बात नहीं होगी, लेकिन दिस इज हाउ यू एक्चुअली स्टार्ट, यू स्टार्ट विद एनी गेस दैट यू वांट। ठीक है, एंड देन यू डू द इम्प्रूवमेंट कि ये गेस जो है इसको मैं एक्चुअल वैल्यू के करीब लेके जाऊं, तो वो इसका अपना एक तरीका है खास। वो तरीका क्या है कि यू स्टार्ट विद द वॉट एवर वैल्यूज यू हैव, यू पुट द वैल्यूज विच यू जस्ट केम अप विद योर सेल्फ, आपने अपनी जेब से बनाई है, आप पहली इक्वेशन में डालें x1 x2 x3 में डालें और कैलकुलेट करें कि क्या वैल्यूज आती हैं। ठीक है जी, इसके अंदर बस डाल दें। ठीक है जी, ये डालने के बाद जो आपके पास वैल्यूज आएंगी, तो उसमें से आप एक वैल्यू को अलग कर लें, मिसाल के तौर पे आप x1 को अलग कर लें
आप कहते हैं कि x1 वन इज इक्वल टू 14 माइनस 3x2 प्लस 3x3 डिवाइडेड बाय 8। दोबारा बोलूं, देखें दोबारा देखें, x1 इज इक्वल टू 14 माइनस दिस टर्म प्लस दिस टर्म, क्योंकि वहां जा रही है, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि ये 8x1 है, ठीक है, बस वहां पे लेके अल्जेब्रा कर रहा हूं, x1 निकालना, ठीक है। आपने x1 की वैल्यू ले ली, अब आप कहते हैं कि x2 और x3 की वैल्यू अगर मैंने 15 से स्टार्ट किया था, तो अगर उनकी वैल्यू 15 है तो x1 की क्या वैल्यू होगी? x1 की वैल्यू आपने 15 नहीं पुट की, x2 और x3 की वैल्यू पुट की, और आपने कहा x1 की क्या वैल्यू निकलेगी? x2 और x3 हमने पुट की, अपनी जेब से मारी आपने 15 15, और हम x1 फाइंड, अगर इन दोनों की वैल्यू 15 15 है तो x1 की क्या वैल्यू होगी? अच्छा, हो गया, ठीक है। ये बात इंतहाई बेतुकी लगती है कि इस हरकत का क्या मतलब है भाई, आपने पहली वैल्यूज ही गलत मारी है तो x1 की भी गलती आएगी। खैर थोड़ा सा बर्दाश्त करें थोड़े टाइम तक, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करें, अगले इस जगह पे आप x2 को अलग निकाल लें, तो x2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2x1 माइनस 5x3 होल डिवाइडेड बाय माइनस 8, ठीक है, समझ आ गई x2 का निकल। अभी जो आपके पास ओरिजिनल जो आपने तुक्का मारा था x3 का वो, और x1 की अभी जो आपने वैल्यू ऊपर कैलकुलेट की है, नॉट योर तुक्का, जो अभी आपने पिछली वैल्यू कैलकुलेट की है, इन दोनों को ले लें, इस इक्वेशन में डालें और x2 की वैल्यू अब निकालें, ठीक है। x2 को हमने निकाली नहीं, x3 हमने निकाली, पहले x1 निकाली थी, पहली इक्वेशन में x1 निकालें, दूसरी इक्वेशन में x2 निकालें, तीसरी वाली में x3 निकालें। पहली वाली में दोनों आपके अपने गैस हैं x2 और x3 के, दूसरी वाली में यहां से जो x1 निकाली थी वो और x3 का गैस, और जब आप x3 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उस टाइम पे x1 और x2 दोनों की जो ऊपर आपने वैल्यूज कैलकुलेट की, ठीक है, नीचे करके बताता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा एक मिनट रुकें। तो इसकी पहले एक प्रॉपर्टी है, स्टेप्स आइटरेटिव कोड में दिखाता हूँ, कोड में बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पहले यहाँ पे देखें इसकी जरूरी, इसके लिए जो बात जरूरी, एक प्रॉपर्टी हम जरूर करेंगे वो ये है कि आपके पास इसके डायगनल्स के ऊपर जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जो डायगनल पे, इस मैट्रिक्स के डायगनल पे जो वैल्यूज हैं आपके पास, दो शुड बी ग्रेटर देन ऑफ डायगनल वैल्यूज, इसको कहा जाता है डायगनली डोमिनेंट मैट्रिक्स। जो डायगनल के ऊपर वैल्यूज हैं दो शुड बी डोमिनेंट, समझ आ रही बात की? समझ आ रही है? डोमिनेंट का मतलब यह है कि बाकी वैल्यूज ऑफ डायगनल जो वैल्यूज हैं उनके सम से बड़ा होना चाहिए इसको, ठीक है। देखें एक मिनट, ये इसके लिए जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो फिर आपका काम नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही बात ही हम तुक्के से शुरू कर रहे हैं ना, कि तुक्का मारो और तुक्के की बुनियाद के ऊपर इसको कैलकुलेट करो, तो ये बेचारा खुद तुक्का होगा, और इस तुक्के को यहाँ डालो और दूसरा तुक्का यहाँ डालो और तुक्के 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 मारते जा रहे हैं, तो इफ उसका प्रूफ हम नहीं कर रहे, लेकिन अगर डायगनली ये डोमिनेंट होगा तो फिर इवेंचुअली आपके पास जो तुक्के हैं ना वो क्लोज आते जाएंगे आपके पास, क्योंकि देखिए आप कर क्या रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि x1 का जो रिलेशनशिप x2 और x3 के साथ है वो ये है, सही है ना, आप ये बता रहे हैं ना कि x2 और x3 को आप ये करेंगे तो x1 बनेगा, तो ऑल्दो शुरू में x1 और x2 गलत है, लेकिन आप इस रिलेशनशिप को बार 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 जब एनफोर्स करते जाएंगे तो इवेंचुअली ये सारे ऐसी जगह पे आ जाएंगे जहाँ पे ये रिलेशन वाकईतन होल्ड कर रहा होगा, और आखिर में हमने x की वैल्यू वही निकालनी है ना जो इन तीनों इक्वेशंस को, इन तीनों रिलेशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है जी। ये जो मेथड है ना, इट लुक्स कॉम्प्लिकेटेड, कोड में जब हम आ जाएंगे तो इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, तो खैर है थोड़ा सा देख लें, पूरा कोड देख लें फिर उसके बाद करते हैं। मैंने इसीलिए इसको नोटबुक पे नहीं किया कि यहाँ पे इसको करें तो इस तरीके से इसको समझें, कन्फ्यूजन आएगी यहाँ पे, बट बिकॉज इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तो इसलिए इसको खैर है इस कन्फ्यूजन को इस्तेमाल कर लें यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो ये आपके पास मैट्रिक्स है, और आपने क्या किया कि np.diag के जरिए से आपके पास डायगनल वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है, और उससे पहले आपने एब्सोल्यूट वैल्यूज लेनी है, ठीक है। डायगनली डोमिनेंट का मकसद ये है कि आपके पास जो ऑफ डायगनल वैल्यूज हैं उनका अगर आप सम कर लें उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज का, तो डायगनल वैल्यू बड़ी होनी चाहिए उससे, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एब्सोल्यूट वैल्यूज ले ली उनकी, फिर उनका डायगनल निकाल लिया, ठीक है, और नीचे उसका सम निकाल लेंगे, समझ आ गई बाकी? देखें यहाँ पे 14 15 और 18, ठीक है जी, समझ आ गई बाकी? ये सम किस चीज का सम है? 14 15, ये देखो x इक्वल टू 1 के ऊपर आप इसका सम ले रहे हैं, अच्छा ठीक है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यूज का, 8 प्लस 3 क्या होता है, 11 प्लस 3 14, ये इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज अगर कर लें तो 10 और 5 15, ठीक है, इनकी वैल्यू आप कर लें तो 15 और 1 18, असल में इसमें कर रहे हैं इसमें से अभी माइनस करेंगे ना उसको, डायगनल को माइनस करेंगे अभी, ठीक है। देखें ये कोड जो इस तरह लिखा हुआ है ना, तो ये अगर आप इस तरह मेरा कोड देखेंगे ना तो आप कहेंगे ऐसे ही क्यों किया है, लुक एट इट, घर में जाके आराम से इसको जब देख लेंगे ना
तो जो हम वैल्यूज निकालना चाह रहे हैं ना, वो वैल्यूज इस तरीके से निकलती है, 10 और तरीकों से भी निकलती है, जिस तरीके से भी निकालते निकाल लें, मकसद क्या है, इट शुड बी डायगनली डोमिनेंट, बस ये फैसला करना है। वो आप देख के आंखों से भी कर सकते हैं, लेकिन हम कोड से इस तरह करना चाह रहे हैं ताकि जब हम बहुत बड़ा मैट्रिक्स लेंगे तो फिर तो हम देख नहीं सकते ना, तो यही कोड उस बड़े मैट्रिक्स पे भी काम करेगा। समझ आ गई जी? ओके, सो यहां पे आपने क्या किया कि ऑफ डायगनल की वैल्यू आपने क्या कि वही सारा काम किया, इसमें से डायगनल को माइनस कर दिया, सही है? तो ये ऑफ डायगनल की वैल्यूज आ गई, और डायगनल की वैल्यूज आपके पास अलग से हैं, तो देख लेंगे कि वो बड़ा है कि नहीं। बात समझ आ गई है? ये आपने पूरे मैट्रिक्स की वैल्यूज ले ली सम, ये देखिए इस 14 के अंदर डायगनल भी ऑफ डायगनल भी है, इसमें से जब आप डायगनल माइनस कर देंगे तो ऑफ डायगनल रह जाएगा, ठीक है? समझ आ गई ना? क्योंकि अगर आप वैसे ऑफ डायगनल को सम करें, शुरू में एक जगह पे बात की थी कि ये सारा काम आप लूप लगा के भी कर सकते हैं कि इफ आई इज इक्वल टू जे तो सम मत करो, वरना सम करते जाओ, ठीक है? लेकिन वो नहीं करना, वो कहानी वहां कर चुका हूँ, नहीं या तो जाके देख लें। ये इस तरह करके हम कान को यूं किस तरह करके पकड़ रहे हैं, पता नहीं किस तरह करके पकड़ रहे हैं, मेरा हाथ भी नहीं पहुंचता, इस वजह से पकड़ रहे हैं ताकि आपको पता चले कि वेक्टराइजेशन से आपने काम करना है, ठीक है? पूरे मैट्रिक्स को प्लस करें और उसमें से डायगनल को माइनस कर लें तो ऑफ डायगनल की वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, ठीक है? रो वाइज किस तरह आ रही है आपके पास, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 1 लगा रहे हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है? ये कहानी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? याद करने की जरूरत नहीं, यू शुड बी अवेयर कि दिस इज डूएबल, ताकि जब आपको कहीं पर जरूरत पड़े तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ फॉर लूप इन साइड अ फॉर लूप, यू डू इट लाइक दिस। इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको x इज इक्वल टू 1 लिखना है नहीं लिखना है, ये बात याद करने की जरूरत नहीं है, ना पेपर के लिए और ना वैसे, ठीक है जी? ओके, यहां से आपने ऑफ डायगनल की वैल्यूज निकाली। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर सारे के सारे डायगनल की वैल्यूज आर ग्रेटर देन ऑफ डायगनल वैल्यूज, ठीक है? अब देखें आपके पास ऑफ डायगनल भी एक मैट्रिक्स आ गया आपके पास, और जो एक्चुअल डायगनल है आपके पास वो भी आप वेक्टर, ठीक है? रैंक 1 से अब फर्क कोई नहीं पड़ता क्योंकि दोनों की शेप एक बराबर है, ठीक है? इसको अगर आपने कर लिया तो कह रहा है कि मैट्रिक्स इज डायगनली डोमिनेंट, ठीक है? थोड़ी देर बाद एक और मैट्रिक्स देखेंगे जो कि डायगनली डोमिनेंट नहीं भी है, ठीक है? उसका आसान तरीका है, 8 को जाके आप 1 कर दें तो बस ये डायगनली डोमिनेंट नहीं रहेगा, कम हो जाएगा, नहीं? ओके, बट ये है, अगर ये है तो फिर आप क्या करेंगे, इक्वेशन को यहाँ पे देख लें, जो सब मैं मुंह से बोल रहा था अब यहाँ पे देख लें क्या है कि 8x1 प्लस 3x2 माइनस 3x इज इक्वल टू 14, तो इसके लिए आप पहले x1 निकालें, x1 इज 14 माइनस 3x2 प्लस 3x3 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है? सिंपली वहां से उठा के चीजों का मान ले गए, सिंपल एल्जेब्रा, इसका अंदर कोई बड़ी साइंस नहीं है। दूसरी इक्वेशन से x2 बनाएं, तो x2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2x1 माइनस 5x3 डिवाइडेड बाय माइनस 8, ठीक है जी? सही हो गया ना? इस तरीके से तीसरा भी आपने निकाल लिया, ये तीनों आ गए आपके पास। अब इसके ऊपर हम कोई वैल्यूज लेंगे x1 x2 x3 की, और इसके ऊपर लूप चलाएंगे, लूप को कोड से ही देख लें, कोड से इंशाल्लाह आप लोगों को आई होप कि ज्यादा बेहतर समझ आएगा, ये मुंह से मेरे बोलने और मैथ से ज्यादा कोड बेहतर समझ आ जाएगा। ओके, सो यू स्टार्ट विद सम वैल्यूज x1 x2 x3, आपने 0 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है? एप्सिलॉन आपने कह दिया 0.001, जिसका मतलब है कि जब आप इसको आइट्रेशन को चला रहे हैं ना, और एक आइट्रेशन और अगली आइट्रेशन के दरमियान में आपका डिफरेंस अब नहीं आ रहा, आप आइट्रेशन चलाई जा रहे हैं और जो आपके पास वैल्यूज x1 x2 x3 की चेंज हो रही है वो 0.001 करके चेंज हो रही है, तो आप कहते हैं बस ये तो आइट्रेशन चलाने का कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा, तो बस अब रुक जाओ। समझ आ गई है? ठीक है, x1 x2 x3 अगर नहीं चेंज हो रहे तो बस फिर रुक जाओ, मत जाओ आगे, वैल्यूज चाहे सही है या गलत है लेकिन बस अब तो नहीं चेंज हो रही ना, बात समझ आ गई? तो एप्सिलॉन थोड़ी देर पहले जो बताया था कि एप्सिलॉन बेसिकली आपकी प्रेसिजन को डिफाइन करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है जी? ओके, और कन्वर्ज इज इक्वल टू फॉल्स, हम ये देख रहे हैं कि भाई आखिर में जो अब हमारे पास ये आइट्रेशन लेट से 5 करोड़ दफा चल चुकी हैं और अभी तक x1 x2 x3 छलांगे मारते जा रहे हैं, तो कहीं तो जाके रुकना भी है ना, तो चूंकि नोटबुक में तो कंट्रोल सी भी आप नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे पहले से हम चेक लगाएंगे कि अगर आपके पास इतना ज़्यादा हो गया तो बस फिर रुक जाओ। बात समझ आ रही है? सारी कहानी समझ आ रही है कि क्या करना है? आइट्रेशन देख लें, एक्चुअल आइट्रेशन क्या है, वो इतना सा कोड है। आपने आउटपुट किया कि आइट्रेशन के रिजल्ट के कौन सी आइट्रेशन चल रही है, ठीक है? x1 की इस आइट्रेशन में क्या वैल्यू है, x2 की क्या वैल्यू है, x3 की क्या वैल्यू है। जब आप बिल्कुल सुबह आके स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पे x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 0, विच इज मोस्ट लाइकली रॉन्ग, तो हमने तुक्का मारा ना, कैलकुलेशन तो हमने की नहीं है। बात समझ आ रही है? अब आइट्रेशन देखें क्या है। अब आप x1 कंप्यूट करेंगे, गौर से देखें, अच्छा मैथ्स में ये बात हमें कहनी पड़ती है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगी, नजर नहीं आएगी, इसलिए तवज्जो रखें यहाँ पे जरा। x1 की जो मैं वैल्यू ले रहा हूँ वो ये वो इक्वेशन है जो ऊपर लिखी हुई थी। इस टाइम पे जब मेरा ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रही होगी, उस टाइम पे x2 की क्या वैल्यू है, x2 की क्या वैल्यू है, 2 कहां से x2 की, पहली दफा मैं आइट्रेशन में आया हूं, लूप में मैं पहली दफा आया हूं, ये लाइन अभी एग्जीक्यूट होने लगी है, x2 की क्या वैल्यू है, x2 की वैल्यू 0 है ना, ठीक है, सारे 0 है ना, मसला तो नहीं है,
ऊपर इनिशियलाइज किया ये रहा, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कोड से देखें, मैथ से मत देखें फिलहाल, कोड से आसानी से समझ आ जाएगा। बात सही है ना, जीरो है ना, बड़ी साइंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है, जीरो है। मतलब जब देख लेना और आपको कोड में नजर आ रहा है तो इधर सर ही कर देंगे, इस सवाल का मतलब कह दियो, ठीक है। जब ये मैथ्स में लिखी होती है ना फिर गंद बनता है, हाँ, तो इसलिए देख लें। यहाँ पे पहले बताया था इस कोर्स के जो मकासद हैं उसमें से ये मैथ्स और कोड के दरमियान के गैप को ख़त्म करना है। ओके, आ जाए यहाँ पे, यहाँ बताएं, यहाँ पे जब मैं x2 कैलकुलेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपके पास x3 की क्या वैल्यू है? जीरो ही है ना, x3 को तो किसी ने हाथ ही नहीं लगाया अभी तक। x1 की क्या वैल्यू है? इज इट जीरो? एटलीस्ट इट्स नॉट जीरो, एटलीस्ट जितना हम कर सकते हैं ना, मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकते यहाँ पे। लेकिन x1 तो यहाँ पे भी हमने चेंज कर दिया ना ऊपर, नहीं 5 कहाँ से आया? हो सकता है 5 हो, आई डोंट नो, लेकिन इट्स गोइंग टू बी 14 माइनस, किसी को शौक है तो कर लें कंप्यूट, मैं नहीं करने लगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी जीरो एनी मोर, ये बात सही, एग्रीड? ऊपर हमने अभी कैलकुलेशन कर ली ना, x1 के अंदर कुछ ना कुछ असाइनमेंट हो गई है, हो सकता है रेयर केस में शायद जीरो भी हो जाए, लेकिन इट्स गोइंग टू बी द रिजल्ट ऑफ दिस कंप्यूटेशन, सही है। लेट्स मना कर लेते हैं यार, क्या मुसीबत है, 3 × 0 इज 0 प्लस 0 14 by 8, ठीक है, सो 8 इज 1.8 लेट्स से, ठीक है, सो x1 इज नाउ 1.8, ये बात समझी। ये गॉस, ये जो आपके पास मेथड है ना, इस मेथड का नाम है वैसे गॉस सैडल, ठीक है, ये गॉस आपको पता होगा हर जगह पे आ जाता है, हर चीज़ में इसने हाथ मारा होगा, किसी चीज़ से जान नहीं छोड़ती। तो ये इसका मेथड है गॉस सैडल, ये वैसे आप लोगों को शायद पता होगा, 21 साल में मर गया था, नहीं आपने बताया, उसामा ने शायद कहा 21 साल, ये पहले कर गया सारे गंद, ठीक है, हाँ अच्छा है कि मैथमेटिक्स के जो बहुत बड़े बड़े जीनियसेस गुजरे हैं ना, ठीक है, आइंस्टाइन तो मशहूर है ना फिजिक्स वगैरह की साइड पे, और साइंस वगैरह मैथ्स के जीनियसेस में से, मतलब वर्ल्ड क्लास जीनियसेस में से इसका नाम आता है, बट जाते जाते नाम, हाँ जाते जाते नाम। और अगर नहीं पता तो जाके देख लें वैसे कि मरा किस तरह था, डुअल नहीं होता वो करते हुए मरा था, मतलब मैथ्स के बंदे यार, बंदे के बच्चे बोल उसने अपनी कैलकुलेशन कर रहा होगा ना गोली में, इतनी देर में ख़त्म। एनीवे, सो यहाँ पे ज़रूरी बात क्या है गॉस सीडल मेथड में, ज़रूरी बात क्या है कि व्हेन यू आर कंप्यूटिंग x2 यू टेक द वैल्यू ऑफ x1 विच इज़ कैलकुलेटेड इन दिस आइट्रेशन। कोड में तो खुद ही हो गया ना जी, जब मैथ्स में ये बात इस तरह लिखी होती है ना ये, तो इससे आमतौर पर मुराद क्या होता है कि टेक x1 x2 एंड x3, कंप्यूट न्यू वैल्यूज ऑफ x1 x2 एंड x3 एंड देन यूज दोज, ठीक है। अगर वो करेंगे तो गलत हो जाएगा, वो कोई और मेथड बन जाएगा, गॉस सीडल नहीं बनेगा। गॉस सीडल की अगर आप डेफिनेशन देखें ना तो उसके अंदर बड़ी लंबी चौड़ी तरकीब करके ये बात लिखी होगी कि x1 की जब आपके पास पहली वैल्यू चल रही कैलकुलेट हो रही है तो उसके अंदर x2 और x3 की पहली वैल्यू ही इस्तेमाल करेंगे, x2 की जब दूसरी वैल्यू आप कंप्यूट कर रहे हैं तो x1 की दूसरी वैल्यू और x3 की पहली वैल्यू इस्तेमाल करें, ठीक है। ये इस तरह मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे पता नहीं क्या बोल रहा है, कोड में नजर आ रहा है ना, समझ आ रही है अच्छी तरीके से। X2 की जब कंप्यूटेशन यहां पे हो रही है तो X3 की वैल्यू पिछली आइट्रेशन वाली है, ठीक है, जबकि X1 की वैल्यू इस आइट्रेशन वाली है, सही हो गया। ओके, इस तरीके से X3 की जब कंप्यूटेशन हो रही है तो X1 की वैल्यू भी इस आइट्रेशन वाली है, X2 की वैल्यू भी इस आइट्रेशन वाली है। मैथ्स में ये बात आपको अजीबो गरीब किस्म के अल्फाज में लिखी हुई मिलेगी, यहाँ पे कोड में खुद ही हो जाती है। हाँ, कोड में अगर आपने वो काम करना है कि तीनों को एक साथ कंप्यूट करो पिछली आइट्रेशन के हिसाब से, फिर यहाँ पे आपको कुछ करना पड़ेगा, आगे जाके जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो वो बात भी करेंगे फिर। बात समझ आ गई, बस दिस इज योर आइट्रेशन, दैट्स इट, खत्म होगी बात, ठीक है। एक्स क्या है, आपने उठा के उसे एक वेक्टर बना लिया, ठीक है। वेक्टर क्यों बनाया, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक हो गया, इन वैल्यूज को आउटपुट कर लिया, ठीक है। ये देख लें कि आपके पास ये जो पूरे x और x old दोनों हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, x old नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, x old की जो वैल्यू दैट इज़ x ओरिजिनली, ठीक है। x old आपने शुरू में 0 0 0 से स्टार्ट कर लिया, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि पिछली आइट्रेशन की जो वैल्यूज थी और इस दफ़ा की आइट्रेशन, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू L2 नॉर्म और इसका L2 नॉर्म फ़र्क हो रहा है कि नहीं हो रहा, भाई तीनों हिल रहे हैं अपनी जगह से कि नहीं हिल रहे, ये बात समझ आई। तो देखें आप क्या कर सकते थे, तीनों को अलग अलग चेक भी लगा सकते थे, लेकिन आपने वेक्टराइजेशन इस्तेमाल किए। क्यों वेक्टराइजेशन इस्तेमाल किए, ताकि कोड एफिशिएंट हो। क्या किया, दिस इज L2 नॉर्म, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और उसका स्क्वायर रूट ले लें। L2 नॉर्म इसी तरह होता है ना कि अगर एक ही चीज़ का आपने वो लेना है तो इन दोनों को पीस वाइज मल्टीप्लाई कर लें आपस में और उसके बाद स्क्वायर रूट लेना, तो आपके पास वही बन जाएगा, ठीक है, पहले कर चुके हैं हम ये।
तो dx, अगर dx लेस देन एप्सिलॉन है तो कन्वर्ज करते हैं, लूप से ब्रेक आ जाएगा। ठीक है, बड़ी कोई साइंस नहीं इसके अंदर, सीधा सीधा कोड है। ठीक है, मेरा ख्याल है पहले सेमेस्टर के लेवल का कोड है, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं अदर देन दिस। तो ये मैंने आपको बता दिया L2 नॉर्म कैलकुलेट कर रहे हैं आप उसका। ठीक है, क्यों चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, इतनी सी बात है, डिफरेंस का L2 नॉर्म। और एक्स को हमने यहाँ पे कर दिया, और अगर कन्वर्ज नहीं हुआ तो यहाँ पे आउटपुट कर दिया। ठीक है, इट्स रन दिस। किधर है ये? सो वैल्यूज मैंने ले ली, मैक्स आइट्रेशन 50 पे रख दिया। ठीक है, कितना 50 से ज़्यादा आइट्रेशन हम नहीं चला, अगर 50 पे ही नहीं कन्वर्ज हुआ तो फिर छोड़ दो इसको। ओके, ये आइट्रेशन ही आपके पास। देखें, शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था तो 0 0 0 से स्टार्ट किया था, और फिर एक्स वन जो है वो जब कंप्यूट किया तो 1.75, जिसको मैं 1.8 कह रहा था, 1.75 हो गया। एक्स टू आपके पास ये हो गया, और ये आपके पास ये हो गया। आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज होते 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 कहाँ तक कन्वर्ज हो गए कि अब ये चेंज नहीं हो रहे। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यूज और नीचे वाली वैल्यूज को देख लें, डिफरेंस बहुत ज़्यादा मिनिमम है दोनों के लिए। अब चूंकि ये चेंज नहीं हो रहे तो हम लोगों ने कह दिया कि बस ये कन्वर्ज हो गए हैं, कन्वर्ज हो गए। इसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि आंसर सही भी है कि नहीं है। ठीक है, और सही आपको करना आता है कि आप मल्टीप्लाई करके देख लें कि सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर, इधर ये थोड़ी सी काइंड ऑफ पैटर्न के समझ में नजर आ रहा है। ये x1 की वैल्यूज तो मतलब ठीक है, वो आ जाती है, लेकिन ये जो x3 की वैल्यूज नहीं है, ये मतलब 6 और इसमें शुरू में इन्होंने छलांग भी मारी है 7.79.5 पे गया है, फिर वापस है। ठीक है, इस किस्म का कुछ और है। जी, सो ऑल्टरनेटिव मेथड्स भी हैं, किसी के अंदर आपके पास ये जंपिंग अराउंड कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, इस किस्म की बातें हैं। ठीक है, लेकिन एक मेथड सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि दिस इज़ एन आइटरेटिव अप्रॉक्सीमेट मेथड। आइट्रेटिव आपको नजर आ रहा है कि करके आप चेंज करें। ठीक है, आइट्रेशन चला रहे हैं, जितनी आइट्रेशन चलाएंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट होता जाएगा। ठीक है, एंड इट्स अप्रॉक्सीमेट क्योंकि ये वाली वैल्यूज जो हैं ये इसकी अभी भी आप देख लें कि 2.08 है, तो मोस्ट लाइकली इट विल बी x2 हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, समझ आ रही बात की? सो द पॉइंट इज के इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच प्रिसीजन यू वॉन्ट। अगर ये काम आप खुद से करने बैठ जाएं तो ये वाला कोड इतना सिंपल नहीं होगा फिर। ठीक है, अगर आप इन्वर्स भी कैलकुलेट करते हैं मिलियन बाय मिलियन मैट्रिक्स का, अगर आपने इन्वर्स भी कैलकुलेट करना जो ऊपर हमें करना पड़ा था एक चीज़ में, दैट इज़ डिफिकल्ट इवन फॉर द कंप्यूटर। यहाँ पे देखें सिंपल लूप है। ठीक है, और एक आइट्रेशन इज लाइक दैट। ठीक है, अगली आइट्रेशन इज अगेन वेरी क्विक। तो अगर आपने काम शुरू किया और आपको कुछ ना कुछ जवाब मिल गया, यू कैन स्टार्ट डूइंग योर वर्क। ठीक है, एंड लेट दिस प्रोग्राम रन फॉर मोर प्रिसीजन एज वेल। तो इस तरह के मेथड्स अच्छे होते हैं कि वेन यू स्टार्ट आइटरेटिव मेथड्स क्यों अच्छे होते हैं, क्योंकि यू इमीडिएटली गेट सम वैल्यूज टू वर्क विद। एटलीस्ट आप काम शुरू कर सकते हैं अपना और उसको बनने दें, फिर और जितना वो प्रिसाइज होता जाएगा फिर उन वैल्यूज को हम बाद में ले लेंगे, लेकिन कुछ शुरू तो करूँ ना। और अगर आपका पहला आउटपुट ही प्रोड्यूस होता है 2 घंटे बाद, तो 2 घंटे तक आप क्या करेंगे? बुरे क्यों होते हैं आइटरेटिव मेथड्स? क्योंकि एक तो ये नहीं पता चलता कि ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप इसका ये कन्वर्जन अभी और देख लेंगे जो कि कन्वर्ज नहीं होता। ठीक है, तो यू आर नॉट रियली श्योर कि जो जवाब मुझे मिला है ये रीजनेबल भी है कि नहीं है। तो इसलिए आइटरेटिव मेथड्स अच्छे नहीं होते। एनालिटिकल मेथड्स क्यों अच्छे होते हैं? दे गिव यू द करेक्ट रिजल्ट बट यू हैव टू वेट अ लॉन्ग वाइल फॉर दोस, एंड समटाइम्स इट्स नॉट इवन पॉसिबल टू डू एनालिटिकल मेथड्स। ये भी तो कर सकते हैं कि स्टार्ट के लिए हम थोड़ा आइटरेटिव चला लें जब आपका काम चल जाए तो, लेकिन आमतौर पर एनालिटिकल हम न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग करते इसलिए हैं कि एनालिटिकल मेथड्स इन रियल वर्ल्ड आर सिंपली नॉट पॉसिबल। नहीं होते वो, आपके पास जो डाटा आएगा ना वो इतना कॉम्प्लिकेटेड आपके पास पॉलिनोमियल होगा कि नहीं कर सकते आप उसके ऊपर काम कर ही नहीं सकते, बस एंड ऑफ स्टोरी। समझ आ गई? इसलिए न्यूमेरिकल करते हैं। ये सारी मशीन लर्निंग चल इसलिए रही है बिकॉज एनालिटिकल वाज नॉट पॉसिबल, करके देख चुके हैं नहीं होता। ठीक है, एटलीस्ट विद द मशीन्स वी हैव एट द मोमेंट। ठीक है, प्रॉबेबली लेटर ऑन इन द फ्यूचर अगर आपके पास ऐसी कंप्यूटिंग डिवाइसेज आ जाएं जो कि सिम्बॉलिक कंप्यूटिंग उतनी एफिशिएंटली कर सकें जो कि ह्यूमंस कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी उस तरह काम हो रहा है ज़रा, मैंने आप लोगों को शायद एक दफ़ा बताया भी था, थ्योरम प्रूवर्स ऑटोमेटेड थ्योरम प्रूवर्स वगैरह के ऊपर काम है। तो मे बी डाउन द लाइन इट विल लीड टू दैट, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग न्यूमेरिकल ही हमारे पास एफिशिएंट आंसर है। ठीक है, ओके सर, जो मशीन लर्निंग का जो मॉडल चलाते हैं ना उसको हम आइटरेटिव ही करते हैं, ये इवेंचुअली हम वहीं पर लेके जा रहे हैं। ठीक है, हम 3-4 और लेक्चर्स के बाद वहाँ तक इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे कि आपके पास मशीन लर्निंग जिस तरीके से, मशीन लर्निंग मैंने आपको पहले बताया था ना कि यही काम होता है, तो आजकल स्टेट ऑफ द आर्ट जिस तरीके से काम हो रहा है ना उस तक हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। लेकिन ये दरमियान के स्टेप्स इसलिए देख रहे हैं कि आपको पता होगा, ये इसेंशियली देखें यहाँ पे एक बेसिक आपने कॉन्सेप्ट देख लिया कि यू स्टार्ट विद सम बेसिक गेस एंड देन यू इम्प्रूव द गेस अंटिल यू गेट टू अ पॉइंट वेयर द गेस इज फाइन फॉर यू। ठीक है, गुड इनफ मैं इस्तेमाल करता हूँ, गुड इनफ आपके लिए कहूँगा। ठीक हो भाई, ओके सो किधर गया, इसको हम चेक कर लेते हैं कि अगर 8 × this अगर मैं करूं तो ये बराबर आना चाहिए 14 के, तो इट्स नॉट 14 बट इट्स गुड इनफ।
ठीक है जी, समझ आ गई। चेक करते हैं ना, चेक इसी तरह करते हैं ना, वैल्यू डालें देखें वो आई के बराबर आ रही कि नहीं आ रही, तो तीनों में डाल के देख लेते हैं। अगर x1 x2 x3 की वैल्यू इसमें डालूं तो दिस इज 5.0019, सो इट्स नॉट 5 बट इट्स गुड इनफ, ठीक है। और इस तरीके से दिस इज -8, दिस इज गुड, 5 तो है, हाँ ठीक है। ओरिजिनल वाई जो था हमारे पास किधर गया, वाई ओरिजिनल कहाँ, वाई किधर है, वाई कहाँ है, वाई ये 14 5 -8, ठीक है ओके। या कहाँ लिखा है मैंने वाई, क्यों नहीं है वाई, कहाँ है वाई, मुझे क्यों नहीं नज़र आ रहा भाई, ओके ठीक हो गया। अच्छा अच्छा देखिए, ये दूसरा एक मैट्रिक्स है, ठीक है जी, इसको कोशिश करते हैं, वही सारा काम आपने किया, ये डायगोनली डोमिनेंट है कि नहीं है, तो इट्स नॉट डायगोनली डोमिनेंट, ठीक है, जिसका मतलब है गॉस सीडल को इसके ऊपर काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ओके। सो अप्लाई हम वही करेंगे, वही सारे का सारा कोड है, सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पे चूंकि इक्वेशन आपके पास ये इक्वेशन थी, तो इससे हमने जो कैलकुलेशन की है वो ये चीज़ की है, जो कि मेरा ख्याल गलत है, क्यों गलत है, ये तो इक्वेशन ही गलत है, सही है गलत है, ओहो मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट जो किया था फिर इसको चेंज ही नहीं किया, सो लेट्स चेंज दिस, सो दिस इज 1 3 -3, दिस शुड बी वाई, कितना है वाई मैंने लिखा ही नहीं है, ओहो ना करो यार, अब मुझे वाई चाहिए, सो वाई इज़ द सेम 14 5 और -8, ठीक है हाँ ठीक है, किया हुआ मैंने, किया हुआ सही किया हुआ, सॉरी दोबारा रीसेट कर दें, वाई इज़ द सेम 14 5 और -8, और मैट्रिक्स जो आपके पास वो ये है 3 1 3 -3, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन इसके हिसाब से चेंज की गई, ठीक है, बाद में चेक भी कर लें, द पॉइंट इज इट्स नॉट डायगोनली मैट्रिक्स, तो ये नहीं करेंगे डायगोनली डोमिनेंट, नहीं काम नहीं करेगा, बट लेट्स रन दिस, तो जब आप इसको रन करेंगे तो आप देखें पता किस तरह चला कि काम नहीं कर रहा, क्योंकि x1 की वैल्यू इज गोइंग समवेयर ऑफ, ठीक है जी, ये कहीं और जा रही है, ठीक है जी, ये भी वैल्यू ये माइनस में कहीं और जा रही है, ये पॉजिटिव में कहीं जा रही है, इट्स नॉट कन्वर्जिंग, कन्वर्जेंस पढ़ के आए हुए ना कैलकुलस वगैरह में, कि वैल्यू किसी चीज़ के करीब तो आ रही है, ऐसा नहीं कि बस इंक्रीज हुई जा रही है, डिक्रीज हुई जा रही है, ठीक है जी, और एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रही है, देखें 115 था ये से 100 इंक्रीज हुआ, और यहाँ पे अच्छा खासा ज़्यादा इंक्रीज हुआ, ठीक है जी, बात समझिए, सो इवन इफ यू लेट इट रन, जितनी भी आइट्रेशन आप कर लें तो इट्स नॉट गोइंग टू कन्वर्ज, तो गॉस सीडल मेथड इस स्पेसिफिक मैट्रिक्स के ऊपर काम नहीं करेगा, यू कैन ट्राई एल यू डी कंपोजिशन, मे बी इट विल वर्क, मे बी इट विल नॉट, ठीक है जी, बात समझ आ गई, ओके। सो यहाँ पे आज जो हमने काम किया है उसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि एक तो आपके पास जब आप मैथ्स में कोई चीज़ लिखते हैं वो, और जब आप उसको कोड में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है, ठीक है जी, यहाँ पे हमने एल इनवर्स के जरिए से किया है, वहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअल काटापीटी के जरिए से किया था, ठीक हो गया, एक बात। दूसरी बात यह है कि आपके पास कुछ आइटरेटिव मेथड्स होते हैं जिनके अंदर यू स्टार्ट विद सम गैस एंड देन यू कैन इम्प्रूव द गैस, ठीक है जी, ये आगे हम इसको कुछ टाइम तक लेके जाएंगे, बिकॉज दिस इज एसेंशियली द बेस्ट वे दैट पीपल हैव कम अप विद अंटिल नाउ, कि यू स्टार्ट विद सम गैस एंड देन यू इम्प्रूव द गैस अंटिल द गैस इज गुड इनफ, ठीक है जी, ये तरीका कार हम करेंगे, ओके। तीसरी जो चीज़ है जो कि अभी तक बात नहीं की है उसको ज़रा देख लें, उसके बाद फिर ये लेक्चर ख़त्म करते हैं, वो ये है कि आपके पास अभी तक जो हम काम करते रहे हैं, हम क्या करते रहे हैं कि दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू दिस वाई, ठीक है जी, इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना कि दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, कर सकते हैं ना, ठीक है जी, तो इससे आपको जो शेप बन जाएगी वो क्या बन जाएगी कि यहाँ पे यू हैव सम सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू जीरो, सम अदर फार्मूला दैट इज इक्वल टू जीरो, सम अदर फार्मूला दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है जी, कैलकुलस में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो अभी दोबारा बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेजन है यहाँ पे, वॉट एवर दैट इक्वेजन इज, अब मैट्रिक्स को छोड़ दें, एक इक्वेजन को पकड़ लें, इफ यू हैव वॉट एवर इक्वेजन ओवर हेयर एंड यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, अननोन जो है आपके पास उनकी वो वैल्यूज आपको चाहिए जिसको जब आप यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे आपके पास फाइनल रिजल्ट जो है वो जीरो बने, इसको कहा जाता है रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल या फंक्शन, इस फंक्शन का रूट कहा जाता है इसको, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आम तौर पे ऑफ वेरी हाई इंटरेस्ट होता है, एक तो जीरो की वजह से वो एक टर्म चूंकि जीरो हो जाती है ना, हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाती है, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो जीरो वाला पॉइंट होता है ना, ये हमारे लिए आम तौर पे ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है जी, कि किस जगह पे जीरो, वो क्यों होता है, एग्जाम्पल नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह उस वक्त समझ आ जाएगी कि वी कैन री राइट अ लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी आर इंटरेस्टेड इन टर्म्स ऑफ रूट, ठीक है जी, हम इंटरेस्टेड हैं फॉर इंस्टेंस कैलकुलेट करने में 36 का स्क्वायर रूट को, ठीक है, इसमें कहीं जीरो की बात नहीं है, 36 का स्क्वायर रूट 6 आएगा, बट वी कैन री राइट दिस इक्वेशन इन अ वे जिसमें हम एक खास किस्म का फंक्शन लिखेंगे और वो फंक्शन जो है
वो अगर जीरो के बराबर, जिस पॉइंट पे जीरो के बराबर होगा वो हमारा स्क्वायर रूट होगा। ये कैसे होगा? देखें, स्क्वायर रूट होगा उसका। देखें, अगर मैं कहता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स के अंदर क्या वैल्यू मैं डालूंगा कि ये सारी सेटिस्फाई हो जाए? 6, विच इज वॉट आई एम इंटरेस्टेड इन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू जीरो, मतलब मैं 81 का स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं। निकालना मैंने स्क्वायर रूट है, लेकिन मैंने उसको इस फॉर्म में लिख दिया कि इफ आई कैन फाइंड द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल तो आई विल गेट द आंसर टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू जीरो हैज नथिंग टू डू विद द एक्चुअल स्क्वायर रूट, बट इफ आई कैन फाइंड द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू जीरो, इफ आई कैन फाइंड द रूट ऑफ दैट, दैट विल बी माय आंसर टू द ओरिजिनल क्वेश्चन कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36। समझ रही बात की? आई कैन री राइट माई ओरिजिनल प्रॉब्लम इन अ पॉलिनोमियल और फंक्शन फॉर्म, और उस फंक्शन का जब हम रूट फाइंड करेंगे तो मेरा ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों ने एल्गो में ये देखा होगा, जिन लोगों ने एल्गो पढ़ा है एल्गो में आप लोगों ने ये देखा होगा कि आप कर्व छोड़ रहे होते हैं, आप कहते हैं इसकी जगह पे मैं ये काम कर लेता हूँ, जब ये काम हो जाएगा तो वो खुद ही हो जाएगा। ठीक हो गया? तो यही काम हम यहाँ पे भी करते हैं। एसेंशियली मैथ से ही टेक्निक आई हुई है कि यू ट्राई टू सॉल्व अनदर प्रॉब्लम विच यू हैव द टूल्स फॉर। रूट फाइंडिंग के हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, इसको कहा जाता है रूट को फाइंड करना, रूट फाइंडिंग। रूट फाइंडिंग के बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास, जबकि स्क्वायर रूट फाइंड करना और 10 और किस्म के काम करना, हर एक का अपने अपने, हो सकता है किसी का एक टूल हो, किसी के दो हो, किसी के 10 हो। ठीक है, इसके हमारे पास सैकड़ों टूल्स हैं। तो इफ़ वी कैन री राइट दैम इन दिस टर्म, इन दीज टर्म्स, तो वी कैन सॉल्व दी ओरिजिनल। तो यहाँ पे दोबारा वापस आ रहे हैं, हमने क्या किया, दिस मैट्रिक्स इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब बाकी सारी चीज़ को छोड़ दें, हम ये कह रहे हैं कि अगर हम रूट फाइंड कर लें इस एक चीज़ की, और इसका भी रूट फाइंड कर लें, और इसका भी रूट फाइंड कर लें, जब तीनों का रूट्स हमारे पास आ जाएंगे तो वी कैन री राइट दैम समहाउ कि हमारे पास ओरिजिनल एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आ जाएंगे। तो काम हम वही करना चाह रहे हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा अगेन एक स्टेप बैक लेके हम क्या करेंगे, हम देखेंगे रूट फाइंडिंग के हमारे पास दो तीन मेथड्स देखेंगे कि क्या मेथड्स है। बात समझ आ गई? कुछ सवाल हो तो पूछेंगे।